इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। परेशान है? आज से पहले माजी भी इस तरह चल के मेरे सामने नहीं आया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ फिजा, लेकिन तुम परेशान मत। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा और इस बार मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले दुनिया से चला गया। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना? पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें मिलने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। वो हमारी दुआ नहीं है, देखो। अरे ये तो मेरी दुआ है। दुआ, दुआ, दुआ। ये तो मेरी दुआ है। दुआ, दुआ। स्टोरी में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया है? आखिर फरा वापस क्यों आई है नौशेरवा के पास? आई भी तब है जब कश्माला के पास और कोई रास्ता ही नहीं दुआ को बेघर करने के लिए। मतलब साफ वाजह है कि कश्माला की एक नई चाल है दुआ को बेघर करने की। कश्माला ने ही फरा को अपना हथियार बनाकर भेजा नौशेरवा के पास। नौशेरवा फरा से मोहब्बत करता था और जब नौशेरवा का निकाह कश्माला से कर दिया गया तो फरा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नौशेरवा को छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब जब वापस आई है तो हालात कुछ और हैं। नौशेरवा अपनी पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ गया, उसको दुआ से मोहब्बत हुई और निकाह भी कर लिया। और दुआ से ये बात कैसे बर्दाश्त होगी जब नौशेरवा उसको ये बताएगा कि फरा मेरी पहली मोहब्बत। इसी बात का फायदा उठाते हुए कश्माला ने फरा को भेज दिया नौशेरवा के पास। इस बात के 50% से ज्यादा ही चांस है कि ये करतूत कश्माला की है, क्योंकि कश्माला को क्या पता कि फरा कौन है, कहाँ रहती है। लेकिन ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। आने वाली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किस तरह सरफराज अब मगरमच्छ के आंसू रोता है। फिजा अपने बच्चे के लिए बहुत रोती है जो सरफराज की लापरवाही की वजह से पेट में ही मर गया। सरफराज तो अभी भी जस्ट मामले को ठंडा करने के लिए फिजा को झूठी तसल्लियां दे रहा है। वो तो अभी भी नहीं चाहता कि मैं फिजा के साथ रहूं और हमारा बच्चा हो। दुआ से ये बात कैसे बर्दाश्त होगी जब नौशेरवा उसको ये बताएगा कि फरा मेरी पहली मोहब्बत थी। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कश्माला ने फरा को भेज दिया नौशेरवा के पास। इस बात के 50% से ज्यादा ही चांस है कि ये करतूत कश्माला की है।